करो, ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। बार बार उन्हें निशाना बनाने का एक शातिराना कारोबार हो रहा है, इसकी आशंका है। जेएनयू कांड का महिमा मंडन, ये एक तरीके से डिजिटल जिहाद का तांडव चल रहा है क्या? ये कितने लोग हैं, जितनी मूवी बैन की जाती है सारी 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है हिंदुस्तान के अंदर। तांडव वेब सीरीज रिलीज होते ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। अमेजन प्राइम की वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस वेब सीरीज के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है। तांडव के डायरेक्टर अली अब्बास, राइटर गौरव सोलंकी सहित अन्य कलाकारों पर भगवान शिव और भगवान राम का मजाक बनाने का आरोप लगा है, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही जा रही है। विवाद बढ़ता देख वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी। उन्होंने अपने ट्विटर पर माफी के साथ कुछ और भी पोस्ट किया है, जिसमें सीरीज में बदलाव और शिकायतों का जिक्र है। आपको बता दें, वेब सीरीज के पहले एपिसोड में जीशान अयूब भगवान शिव के वेश में नजर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। सीरीज के पहले एपिसोड के इस हिस्से को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। इस मुद्दे पर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें हिंदू धर्म की आस्था को जो ठेस पहुंची है उस पर वो बात करते नजर आ रहे हैं। मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो, ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो, नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। हर बार वेब सीरीज में सैफ अली खान बार बार ये हरकत करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है। हिंदू धर्म में सब लोग सहिष्णु, हिंदुओं का दिल बड़ा होता है, माफ करते जा रहे हैं, माफ क्षमा करते जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हिंदुओं जागो, तुम्हें जागना होगा। और अब मांग हो रही है कि इस सीन को हटा दिया जाए। सीन को हटाने से काम नहीं चलेगा, कड़ी से कड़ी सजा देनी पड़ेगी, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करे। ये वही राजू श्रीवास्तव हैं जो आज हिंदू धर्म की काफी फिक्र कर रहे हैं, पर पहले जब वे स्टेज पर कॉमेडी करते थे तब वे खुद भी काफी कुछ गलत बोल जाते थे। कुंभकर्ण चीर खिंचता जा रहा है क्योंकि उसके पीछे ताकत थी सुदर्शन चक्रधारी भगवान गणेश की। कोई खड़ा हुआ बीच में से, अरे भाई क्षमा कीजिए, वो भाई गणेश जी नहीं थे, वो तो कृष्ण भगवान थे, और कुंभकर्ण नहीं, दुशासन ने चीर खींचा था। अभी कौन है? तू है तू? नहीं नहीं भाई, मैं तो पहले वाला हूँ, मेरे बाजू वाला बोला है, इसको आइडिया नहीं ना आपके बारे में। इसके अलावा भाजपा नेता कपिल मिश्रा को तो आप सब पहचानते ही हैं। भाजपा में आने के बाद से ही उन्हें हिंदू धर्म की काफी चिंता होने लगी है। उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए इस मुद्दे पर बहुत विरोध किया। तांडव वेब सीरीज को तो बैन करना ही होगा, इस प्रकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। हमने आज एक लीगल नोटिस अमेजन वेब सीरीज को भेजा है कि इसको तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से आप तांडव को हटाए, अन्यथा आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जाएगी। ये लीगल नोटिस उनके अमेजन के दिल्ली के हेड ऑफिस में हम लोगों ने आज भिजवाया है। और इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि सीन बाय सीन किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है, किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की भड़काऊ कंटेंट इसमें डाला गया है तांडव में, किस प्रकार से दलित समाज का बार बार मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना, इसकी कोशिश की गई है तांडव में, इसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये वो कपिल मिश्रा हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में थे और तब वे ऐसी कंट्रोवर्सी पर क्या कहते थे, आप खुद ही सुन लीजिए। छोटी सी बात है, जो किताब लिखता है, जो पेंटिंग बनाता है, जो गीत गाता है, जो नाटक करता है, जब आप उसके जलाने जाते हो, पत्थर फेंकने जाते हो, बैन करने जाते हो, उल्टा वो आपको मारने नहीं आता कभी भी। ये थोड़े से लोग हैं जो हर्ट होते हैं, जिनके सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं, जो कहते हैं मूवी बैन कर दो, किताब जला दो। ये कितने लोग हैं, जितनी मूवी बैन की जाती है सारी 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अगर आप ये बोलते हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी राजद्रोहियों का अड्डा बन गई है, JNU देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, अलीगढ़ देशद्रोहियों का अड्डा बन गई है, तो सारे अग्नि पृथ्वी त्रिशूल मिसाइल हमारे स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ दो फिर। मैं ये कहना चाहता हूं आज की तारीख में, एज एन इलेक्टेड यंग पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री, वी विल नॉट लेट यू रन इंडिया इन 2016 बाय द रूल्स रिटन इन 1992। वी विल नॉट,
वी विल नॉट लेट यू रिपीट 1992, 1984, 2002 अगेन इन दिस कंट्री. इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल. अभिसार शर्मा ने द लाइव टीवी पर अपने शो बेबाक में इस विवाद पर कुछ जानकारी दी और इस मुद्दे पर काफी सवाल भी उठाए. अब ये नजारा देखिए दोस्तों, सहारनपुर का नजारा है. यहाँ पर आप देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला शौचालय इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ये शौचालय एक मंदिर के साथ था. सहारनपुर की घटना है. एनडीटीवी के कमाल खान ने कहा है कि जब ये तोड़ा जा रहा था तो ये लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप शौचालय तोड़ रहे हो, वो शौचालय जो महिलाओं के लिए है, और आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, क्या ये धर्म का सम्मान है? ये खबर देखिए आपके सामने, कुछ दिनों पहले की खबर है दोस्तों. बदायूं में 50 साल की औरत का गैंगरेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश को फिर उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है. ये गैंगरेप मंदिर के अंदर हुआ, पुजारी ने किया. मेरा हिंदू धर्म उस वक्त तो खतरे में नहीं था ना, तब मेरा हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया इन लोगों के लिए? तब मिलने से कोई शोर नहीं कर रहा था. आज ये लोग धर्म का ये स्वरूप पेश करके न जाने मेरे धर्म को क्या बना देना चाहते हैं. जी न्यूज़ पर इस मामले में हुई डिबेट में इसे डिजिटल जिहाद से जोड़ दिया गया. ये कौन सा फॉर्मूला है जिसमें स्क्रिप्ट आपकी भले ही थर्ड ग्रेड हो, एक्टिंग भले ही बेकार हो, प्रमोशन के लिए पैसा ना खर्च करना हो, बस एक 15 सेकंड का सीन डाल दीजिए, हिट फ्लॉप सीरीज को हिट करने का यह फॉर्मूला है. यहां विवाद नहीं है सिर्फ हिंदू धर्म को अपमान करने का. हिंदुस्तान में कैसे जातियों में उलझाया हुआ हिंदुस्तान को दिखाया गया, छोटी जाति बड़ी जाति बताकर कैसे खाई पैदा की जाए, देश को कैसे छोटा दिखाया जाए. प्रधानमंत्री के पद, प्रधानमंत्री गालियां दे रहे भद्दी भद्दी, प्रधानमंत्री देश का, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर क्या क्या बातें की जाती है, ये सब कुछ OTT मतलब. और टुकड़े टुकड़े गैंग का महिमा मंडन, JNU कांड का महिमा मंडन, ये एक तरीके से डिजिटल जिहाद का तांडव चल रहा है क्या? इस मुद्दे को लेकर और भी मीडिया चैनलों में डिबेट और न्यूज देखने को मिली. आइए देखते हैं अलग अलग मीडिया चैनल इस मुद्दे पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं. OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे तांडव में हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काने का आरोप है, जिसे लेकर हिंदूवादी संगठनों और साधु संतों के साथ साथ कुछ कलाकारों ने भी कड़ा विरोध जताया. वेब सीरीज के निर्माताओं ने माफी मांगते हुए विवादित सीन हटाने का वादा किया, लेकिन सवाल है कि क्या तांडव के निर्माताओं की माफी ही काफी है? क्या जानबूझकर कंट्रोवर्सी खड़ी की गई ताकि उसका लाभ लिया जा सके? क्या अब OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड बनाने की नौबत आ गई? किस तरह से खास एक समुदाय को परेशान करने की चीजें बार बार बाहर आ रही हैं? किस तरह से बार बार एक खास समुदाय की आस्था से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है, बार बार उन्हें निशाना बनाने का एक शातिराना कारोबार हो रहा है, इसकी आशंका है. और इसी के चलते मैं बता रहा हूँ, वेब सीरीज के नाम पर गाली गलौच की जा रही है, वेब सीरीज के नाम पर एक खास समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इस मुद्दे पर राजनीति तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, अब धीरे धीरे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है. तांडव के निर्माता निर्देशक द्वारा माफी मांगने के बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. क्या ये भी हो सकता है कि किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए इस पर राजनीति ज्यादा की जा रही है? अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक थमेगा. पंजाब टुडे रिपोर्ट. If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.